गाइस, ये पिक्चर है एक। मम्मी इतनी सुंदर लग रही है। गाइस मैं रो रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे। मैंने पीछे लगाए हुए हैं भजन कृष्ण जी के। मुझे 2 घंटे हो गए हैं कपड़े लगाते लगाते, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मॉर्निंग। और आज मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग पे, और आज लास्ट डे ट्रेनिंग। शुक्र है ना। मैं भी, हो सकता है आज मेरे को जल्दी छोड़ दे। क्यों, आज किस खुशी में? अच्छा, मैं बहुत परेशानी हुई है 5 दिन से। चलो कोई नहीं, चलो होप करते हैं कि जल्दी छोड़ दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी कैंडी। और मैं नहाकर आ गई हूँ और आज मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ बिकॉज देखो, मैंने पीछे लगाए हुए हैं भजन कृष्ण जी के, और सच में इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना यार जब भजन लगाते हो आप। मैंने नोटिस करा है ना, कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब, तो वो क्या करते हैं, दिन रात पूजा वूजा करेंगे और मतलब दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है पूरे दिन, और उनकी हरकतें ऑन दी अदर हैंड ऐसी होती है कि गाली गलौज करना, लोगों के बारे में बातें बनाना, ये करना वो करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये तो मतलब बुरी बात हुई ना, कि आप लोग वैसे तो दिखा रहे हो कि आप भगवान के बहुत वो हो, पालन करते हो हर चीज़ का, धार्मिक हो, पर ऑन दी अदर हैंड आप लोग माँ बहन की गाली दे रहे हो। तो फिर मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो बस ये बात है, मुझे लगता है कि चाहे आप 1 घंटा पूजा करो, आधा घंटा पूजा करो, उससे मैटर नहीं करती बात। ये है कि आप मन से याद कर लो, और आपके कर्म ऐसे होने चाहिए मेरे हिसाब से कि आप किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो। क्या फर्क पड़ रहा है यार आप लोगों को, आप अपना करो, जियो और जीने दो, बस ये बात। मैंने इतने सारे लेसन्स दे दिए सुबह सुबह ही, लेकिन आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं नेगेटिव नहीं होना चाह रही किसी के प्रति, बट हाँ यही बात है। अब मैं बस अपने बाल ड्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं आई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट लेने, और मैं आपको बता दूँ मेरा ब्रेकफास्ट ना वो नहीं होता फैंसी इंग्लिश ब्रेकफास्ट की ब्रेड टोस्ट जूस एग्स, एग्स तो मैं खाती भी नहीं हूँ, बट एनीवे मेरा होता देसी ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी समथिंग समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह आप जितना हैवी खा सकते हो खा लो, बिकॉज सुबह का खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और रात को थोड़ा कम खाओ। हम इंडियन फैमिलीज उल्टा करती है, सुबह खाएंगी जी हाँ थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ तो खाते भी नहीं है, और फिर शाम को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, सुबह जितना मर्जी खा लो वो आपको डाइजेस्ट हो जाता है, रात को थोड़ा कम खाया करो। तो यही मैंने अपना जब वेट लॉस करी थी अप्लाई किया था अपने ऊपर भी, एंड आई थिंक इट वर्क। द थिंग इज कि मुझे ना आज खाने का मन कर रहा है फ्राइड राइस, और जो मैं बनाती हूँ ना वो होते हैं लेफ्ट ओवर राइस से। तो मैं पहले ढूंढती हूँ, अगर मुझे बचे हुए चावल मिल जाएंगे तो उससे बनाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, मुझे पर्सनली वो खा के अच्छा लगता है। पता है मैं ना किसी और के लिए खाना नहीं बना सकती, मुझे डर लगता है कि यार नहीं, और मैं रुइन कर देती हूँ। अपने लिए बनाना हो तो मुझे पता है कि गलती भी होगी तो मैं खा लूंगी, तो वैसे वाला सीन है वैसा। तो मैं ढूंढती हूँ, चलो फ्रिज में मुझे मिल गए हैं मेरे लेफ्ट ओवर राइस, और अब इनसे बनाऊंगी मैं फ्राइड राइस। मुझे ना प्रॉपर साइज का पैन नहीं मिला, तो ये ठीक है इसमें बना लेते। तो पहले मैं लूंगी ऑयल पैन में और डालूंगी थोड़े से चॉप्ड अनियंस, तो वो पहले मैं काटती हूँ। पहले ढूंढती हूँ कहाँ है, आई थिंक ये साइज परफेक्ट है मतलब इसमें डालने के लिए। अब मैं इसे चॉप करती हूँ। तो पता है किसको नहीं होता, वैसे सबको पता है कि अनियन चॉप करते हुए आंखों से पानी निकलता है, तो मैं थोड़ा साइड में होकर ऐसे चॉप करती हूँ। ओह गॉड, आई एम सच अ मेस कि क्या ही बताऊँ। पहले हम इसकी आउटर लेयर निकालेंगे, अब हम इसकी एक और लेयर निकालेंगे, क्योंकि ये वाली लेयर भी अच्छी नहीं है, अच्छी इन द सेंस। एक तो ना मुझे ये समझ नहीं आता कि अनियन की कितनी लेयर निकालनी चाहिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि चल बाहर की वो छिलका निकाल दिया, उसके बाद एक और लेयर निकाल दिया, उसके बाद कितनी और लेयर निकालनी चाहिए आई डोंट नो। और हम इसका ये भी निकालेंगे ऊपर का, एंड देन वी विल चॉप इट। गाइस आंखों में, ओ गॉड, गाइस मैं रो रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप लोग देखते हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो। ओ गॉड, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा तीखा प्याज है, काश मैं कुछ और ही खा लेती। अयो एनीवे,
सबसे डिफिकल्ट पार्ट ओवर हो गया है, विच इज चॉपिंग अनियन. मेरे बाल अभी सूख रहे हैं इसलिए मैं बाहर नहीं रही है, मैं इनको पीछे रखूंगी. ठीक है, ओ देख रहे हो आप, कुछ ज्यादा ही तीखा प्याज था यार. मैं हैंड वॉश करके आ गाइस, जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, उससे पहले मैं रोऊंगी. ऐसा मत करो मेरी जान. सब्सक्राइब करो यार, कितना नौटंकी कर रही हूँ. आज मैं खुश हूँ ना तो मैं ऐसे नौटंकी करती हूँ, और जब मैं मतलब थोड़ी सैड होती हूँ या कुछ होता तो मेरा कोई मजाक हंसी मजाक करने का कोई मूड नहीं होता. तो ये आप मेरा फेज एंजॉय करो. चलो अब हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा तड़का. सो वी नीड तेल, रिफाइंड ऑयल. तो मुझे यहाँ पे एक बॉटल दिख रही है, इसमें है, इसी को डाल देते हैं. ओके, हल्का सा, बिकॉज थोड़ा सा हेल्दी भी लगना चाहिए. ओके, देन हम इस ऑयल को स्प्रेड कर लेते हैं. मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला ना, उसको स्प्रेड कर लेते हैं. तो मैं निकाल लेती हूँ, इससे अच्छे से हो जाएगा. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ है राइस. और क्या क्या डाल सकते हैं हम इसमें? अरे फ्राइड राइस में ना तड़के के साथ अगर आप केचप डालोगे ना तो उसका टेस्ट इतना टेस्टी हो जाता है. लेट मी फाइंड केचप. क्या हमारे घर में केचप नहीं है? व्हाट, सच्ची? माता जी, रियली? कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो, कितनी ओवर. बात तो सही है यार, एक भी नहीं मिल रहा. पाउच तो होता. गाइस मैं ढूंढ के आती हूँ. सो गाइस मुझे बड़ी मुश्किल से ये केचप के पाउच मिले. ये तो पता नहीं मैंने कहाँ से निकाला है, ऐसे बहुत बुरी हालत है, बट शुक्र है मिल गए. तो चलो अब बनाते हैं यार. बट आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि मतलब यहाँ पर ये केचप होता था, वो कहाँ गया? मैं ही खा गई क्या? हो सकता है. तो अब से ना मैं 3-4 एक तो वो लेकर आऊंगी. मुझे किसान वाला केचप ज्यादा पसंद है, बाय द वे सबसे बेस्ट होता है. तो मेरा तड़का ना जल जाए, मैं और चीजें निकाल लेती हूँ. सो गाइज यू जस्ट नीड 3 चीजें, जीरा, नमक और मिर्च और केचप. पता है नमक हमेशा कांच की उसमें रखना चाहिए, इसलिए हमें इसमें रखती है. मम्मी के लॉजिक्स है, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज्यादा. तो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस. शुड बी यस. मैं तो ऐसे डर रही हूँ जैसे पता नहीं क्या हो गया. मैं लो फ्लेम रखी है, अगर हाई फ्लेम होती तो एकदम से मुझे डर लगता है कि ऐसे मुंह पे नहीं आना चाहिए. राइट गाइस, इतना मोटा प्याज कट किया है मैंने क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा लग रहा था. फोन भी चेक कर लेती हूँ मैं बीच बीच में. ओ पहले तो जीरा डालना था. शिट यार, वीडियो बनाते वक्त मैं भूल गई गाइस, पहले तो जीरा डालता है. अभी डाल देती हूँ, थोड़ा सा डाल दूँ क्योंकि कच्चा ना रहता है. ओके गाइस, भूल चुक माँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से ये हुआ है, बिकॉज मेरा ध्यान आप लोगों पर. ओके गाइस, आर यू हैप्पी नाउ? मैं ये फ्रंट कैम से फिल्म कर रही हूँ ना, तो क्वालिटी आई डोंट नो कैसी आ रही होगी, बट ठीक है यार, कंटेंट मैटर्स नॉट क्वालिटी, कंटेंट मैटर्स. बात तो सही है बॉयज. गाइस आप लोगों ने नोटिस करा आज मैंने थोड़ा गरम गरम सा आउटफिट पहना है, बिकॉज यहाँ पर सर्दियां आ चुकी है बाय द वे, और इस बार ही बर्फ पड़ेगी, पिछली बार नहीं पड़ी थी शिमला में, क्योंकि इस बार जल्दी ठंड आ गई. गाइस आपको पता है जब मैं ना कोई रेसिपी देखती थी यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें से नहीं बोलते थे कि अब हम प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का वेट करें, तो मैं एक्चुअली सोचती थी गोल्डन हो जाएंगे, गोल्डन, पर कभी हुए नहीं कुछ भी. तो मैंने खुद सोचा कि यार गोल्डन नहीं, ब्राउन, जस्ट ब्राउन. तो अब मैंने ब्राउन होने का वेट किया, थोड़ी तेज कर दी फ्लेम, मेरे में इतनी वो नहीं हो रही, पेशेंस नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई यार, अब पक जाएगी जल्दी. एक तो इतने मोटे मोटे प्याज मैंने इसमें डाल रखे हैं, क्या ही बताऊं गाइस. तब तक मैं केचप काट लेती हूँ सिजर, मतलब यही रख देती हूँ, काटती तो नहीं. एक बेचारे केचप का तो बहुत ही बुरा हाल है.
चटक स्टार्ट हो गई गाइस, तो इसीलिए हम डाल देंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं, आई थिंक हल्दी भी डाल लीजिए, मसाला में हल्दी नहीं गरम मसाला डालते हैं थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा फ्लेवर्स आएंगे। तो ये है गरम मसाला, वी विल पुट लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, नॉट हरी मिर्च, मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमक। सो नमक हम थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे बिकॉज फ्राइड राइस बना रहे हैं ना, इसे मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम थोड़ी कम कर लेते हैं, और इसमें डालेंगे अब हम केचप के पाउचेस, जैसे काट लूं, ये कटा ही नहीं, क्या शेफ बनेगी रे तू, आप आवाज सुन रहे हो शड़शड़ वाली, या केचप के और होना चाहिए था यार, इससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, शिट शिट बस ही नहीं। Okay, now we will add our rice. थोड़ा चूर चूर करके डाल रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा अलग अलग बने। Nice. Let's add some more. इतने काफी है। अब ना मेरे को ब्रेक कर दी, मेरे थोड़े से चिपक गया आपस में। Guys, आप देख रहे हो? नहीं। ये देखो गाइस, ये देखो, ये बन गए हैं और मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने में, और इसमें ना आप शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, ऐसी चीजें और वेजीज ऐड कर सकते हो, बट मुझे तो ये ऐसी पसंद है, इसे बोल में निकाल कर खाऊंगी और इंजॉय करूंगी। तो मेरा ये बन गया है, अब मैं पहले सारा किचन थोड़ा साफ कर लूं, उसके बाद मैं खाऊंगी, बिकॉज वरना मम्मी डांटेगी। A few moments later. और राइस तो और बच गया है, इन्हें तो रखे रखो। गाइस टेस्ट टेस्ट कैसा होगा, अच्छा है, एक्चुअल में बहुत टेस्टी है। आप घर पे ट्राई करना रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताना, टैग करना अगर आप कुछ बनाओगे ऐसा तो, ठीक है। अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो पीपल, तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे पापा के बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं मेरे पापा के बारे में, तो मैं सोच रही थी मैं आपको आज जो पापा मम्मी की वेडिंग एल्बम है वो दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए तो है ही है, और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो एल्बम, ओ तो ये वो एल्बम है, और हाँ उस टाइम पर सारी ऐसी ही होती थी एल्बम्स, और मतलब जो आपके मम्मी पापा की भी होंगी आपको पता होगा इस टाइप की ही होती थी। तो इसमें से मैं आपको पिक्चर्स निकाल निकाल के भी दिखाती हूँ। सो गाइस, ये पिक्चर है एक, मम्मी इतनी सुंदर लग रही हैं और पापा तो हैंडसम है ही, तो पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं इसमें और मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही है। मतलब उस टाइम पर ना जो ब्राइड्स होती थी उनका इतना सिंपल अटायर था, आजकल तो बहुत ज्यादा शोशेबाजी हो गई है, ये वेडिंग गाउन ये वो, दुल्हनों की इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी कि काउंटलेस है। तो आई थिंक ये सिंपलिसिटी बेस्ट होती थी, बेस्ट। तो ये है, ये पिक्चर है एक, इसमें पापा ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, हमारे यहाँ पर ऐसे तलवार दूल्हा पकड़ता है, और ये आई थिंक वो है जब बारात वहां से वापस आ रही थी, क्योंकि मम्मी ने इसमें चेंज कर लिया है, क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहनी थी, इसमें मम्मी ने सूट पहन लिया है और ऊपर से चुन्नी ओढ़ी हुई है वही वाली, तो सच अ स्पेशल पिक्चर इट इज, बहुत अच्छी लग रही है। एक ये पिक्चर है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, मतलब ये देखो इसमें जो पापा है वो मम्मी को सिंदूर लगा रहे हैं, कितनी सुंदर और प्यारी पिक्चर है, हाय मतलब बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी।
एक ये पिक्चर है, कितनी प्यारी पिक्चर है, मतलब इसमें पापा ऐसे यंग से बहुत डैशिंग से लग रहे हैं और मम्मी इतनी सुंदर स्वीट सी लग रही हैं, मतलब यार मम्मी इतनी शरीफ सी और भोली सी, इतनी प्यारी सी, वाओ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। सो ये तो कुछ पिक्चर्स थी, बहुत कम थोड़ी सी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताना, बहुत ही दिल से जुड़ी हुई पिक्चर्स है मेरे, ये क्या ही बोलूँ उस बारे में, ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, बट हाँ अगर आपको ऐसी पिक्चर्स और देखनी है मेरे बचपन की या हिमांशु के बचपन की या कुछ भी इस टाइप की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ऐसे पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको पुरानी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। प्राइज अभी भी मेरे भाई का कॉल आया था कि जल्दी से तैयार हो जा, उनकी फुटबॉल टीम जीत गई है तो उनको प्राइज मिलेगा, तो तू भी चल। सो मैं बता दूँ कि उसके ना कॉलेज फेस्ट चल रहे हैं, उसमें फुटबॉल कॉम्पिटिशन होते हैं, एंड ही इज़ अ लवर ऑफ फुटबॉल, सो तीन चार दिन से वो रोज़ जाता था, टूर्नामेंट था या जो भी था उसमें, तो मैं सोचती क्यों ही ज़्यादा क्या है, खेलता रहता पता नहीं क्या, बट आज मुझे पता चला कि वो जीत गया है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहनू क्या, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उसने मुझे बताया, बट लेट मी सी। डे टू, आप जैसे कि देख सकते हो मैं नहा गई हूँ, क्योंकि आज नया दिन है, नई शुरुआत है, न्यू डे न्यू बिगिनिंग, और बिगिनिंग इस चीज़ की कि विंटर्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट है, बिकॉज शिमला में पिछली बारी एक्चुअली बर्फ नहीं पड़ी थी, स्नोफॉल नहीं हुआ था, तो इस बारी होपफुली हो जाए, आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरे बालकनी से व्यू आता है जब स्नोफॉल होती है, इट्स अमेजिंग। तो बस आज मुझे काम ये है कि मुझे सारे विंटर्स के कपड़े बाहर निकालने हैं, समर्स के अंदर रखने हैं, ये सारा काम मुझे आज करना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विंटर्स के लिए। आप जैसे कि देख सकते हो मैं गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है यहाँ पर, तो दिन की शुरुआत करते हैं, मैं अपने बाल ड्राई कर लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मैं ऋषिकेश से क्या लेकर आई हूँ, ये खादी सोप्स है जिनके अंदर नेचुरल लूफा है, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें दिख नहीं रहा, ये देखो बोले लूफा के ऊपर ही सोप, इसे यूज़ करके बताऊँगी कैसा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने का, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आज अपने विंटर्स के कपड़े निकालूंगी और समर्स वाले रख दूंगी, लेकिन इतना लेज़ी फील कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पे इतनी ठंड है यार, मतलब रजाई से उठने का ही मन नहीं कर रहा। मैंने सुबह अपना बेड बनाया था और नहाने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी, बट एनीवे शाम तक मैं कर लूँगी ये वाला काम, बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और अभी हल्की हल्की धूप आ रही है मेरे रूम में, तो वहीं बैठी हुई हूँ मैं, देखो यहाँ से धूप आ रही है। मैंने मोटिवेशन लेके उठने को डिसाइड कर लिया है और अब मैं सारे कपड़े निकालने वाली हूँ अपने, जो कि है इस वाले उसमें ड्रॉर में, और पीछे मैंने व्लॉग्स लगा दिए जिनके मैं देखती हूँ उनको, और बस साथ साथ काम करती रहूँगी और साथ साथ इंजॉयबल बनाऊंगी काम को, कुछ काम करना हो ना उसे इंजॉयबल बनाओ, जैसे कोई सफाई करनी हो तो म्यूजिक लगा लो, ऐसे कर लो, मैं ऐसा करती हूँ यूजुअली। देख रहे हो यहाँ पर ये मेरे सारे विंटर्स के क्लोथ्स हैं, मैंने इन पे रखे थे, ये अब एक करके इनको निकाल रही हूँ और अपनी अलमीरा में लगा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो पा रहे, खत्म ही नहीं हो पा रहे, अभी मैंने इतना कराया और ये भी इतने टेढ़े मेढ़े लगे, ये लग नहीं पा रहे मुझसे ढंग से। 2 hours later, मुझे 2 घंटे हो गए कपड़े लगाते लगाते लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये भगवान क्या जुलूम है, थक गई हूँ, मुझे बैक पेन भी होने लगा है, इतने भारी भारी, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस में स्टोर करे अपने कपड़े, वो इतने भारी कि उठाने में ही इतनी दिक्कत हो रही है। इनमें मैंने अपने समर्स के कपड़े रख लिए जो मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन इन्हें उठाना इतना मुश्किल है, अभी ये थोड़े बहुत कपड़े यहाँ रह रहे हैं। देखो मुझे क्या मिला, सैटिन पिलो केस, इससे ना बाल और स्किन अच्छी रहती है, मैंने इसे सुना है तो मैंने मंगवाया था, लेकिन मैं इसे लगाना भूल गई थी, अब मैं इसे लगाऊंगी अपने पिलो केस। A few moments later, finally मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, तो मैं अब आई हूँ बाहर बालकनी में बैठने, इंजॉय करने थोड़ा सा, मेरे नेक में पेन हो रहा था और मैंने अपने भाई की हेल्प ली थी, वो बड़े बड़े जो वो थे ना बैग्स जो मैंने बताया था आपको उनको उठाने के लिए, तो उसने वो मेरे लिए उठा के ऊपर रख दिए थे। अब मैं साथ में पी रही हूँ अपनी डिटॉक्स टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था विंटर्स आ गया, तो विंटर्स में तो मैं पीती हूँ इन्हें इसे, तो बस अब इंजॉय करूँगी। और जैसे दिवाली आ रही है ना पास, थोड़ी बहुत सफाइयाँ ऑर्गेनाइजेशन और ये वो स्टार्ट हो जाएगा, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है डेकोरेशन की, दिवाली डेकोरेशन की, तो वो भी आप सबको दिखाओगे जब वो आ जाएगी, अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करी है, कुछ दिनों में आने वाली होगी, वो सब डेकोरेट करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो मेरे व्लॉग्स पे बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आई लव यू ऑल।
नजारा है यार गाइस, देखना, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड।